I want to thank StudyIQ. I would like to thank StudyIQ team. Big round of applause to the team management and staff of StudyIQ. Hello and welcome to StudyIQ IAS. Today, I am going to start a series of philosophy optional in which today we are going to study the first topic of Western philosophy paper 1 that is Plato and Aristotle. इस सीरीज़ में मैं सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं पेपर वन के फिलोसफी ऑप्शनल के जो कि वेस्टर्न फिलोसफी है पार्ट ए उसके सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ तो ये सीरीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है इस सीरीज़ की जो हमारी लाइव क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं जिसके एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवंबर में इसकी डिटेल मैं आपको आगे दे दूंगा और फ़िलासफी से रिलेटेड कभी भी आपका कोई डाउट होता है कोई भी कंसर्न है आपका तो उसको आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे मेरी आईडी दे रखी है टेलीग्राम की आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी फिलासफी से रिलेटेड आपका डाउट होता है तो उसको हम क्लियर करेंगे ठीक है तो इस सीरीज़ में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि यूट्यूब पर आपकी रहने वाली है

यूपीएससी के सिलेबस में हमारे जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं <coughs> तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज आइडियाज आइडियाज को फॉर्म्स भी बोलते हैं इसके अलावा हम बात करेंगे सब्सटेंस की की फिर हम बात करेंगे फॉर्म एंड मैटर इज द टॉपिक ऑफ एरिस्टोटल देन वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेशन हाउ मेनी कॉजेस आर देयर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल एंड देन वी विल डिस्कस एक्चुअलिटी इन पोटेंशियलिटी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जिसके चांसेस रहते हैं सिक्सटी परसेंट और एक और अच्छी चीज़ ये रहने वाली है कि जितने भी हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे टॉपिक्स के साथ साथ हम हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं चलिए तो आगे हम बात करते हैं हमारा जो नया फलोसफी ऑप्शनल का लाइव बैच है जो कि ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहा है इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ मिलते हैं स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल में आपको मिलते हैं नोट्स पी की फॉर्म में आपको क्रक्स मिलते हैं डिटेल फॉर्म में जो कि हमने प्रिपेयर किए हैं काफी रिसर्च के बाद स्टैंडर्ड बुक्स की हेल्प लेके इसके अलावा आपको मिलती है टेस्ट सीरीज जिसमें 12 टेस्ट रहते हैं आपके आठ सेक्शनल टेस्ट रहते हैं और चार फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं टेस्ट के साथ साथ आपका टेस्ट का डिस्कशन भी रहता है जो कि आपको लाइव क्लासेस में मिलता है तो इससे आपका क्या है कि जो भी आपके लाइव क्लासेस हैं स्टडी मटेरियल मिलता है प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलती है जिससे आपकी जो टॉपिक दैट इज प्लेटोस आइडियाज एंड फॉर्म्स तो प्लेटो to तो, जो है अपने आइडियाज और फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक एलेगरी ऑफ केप का इस्तेमाल करता है जिसको हम देख सकते हैं पीछे की स्क्रीन पे तो अगर हम बात करते हैं प्लेटो के आइडियाज की और फॉर्म्स की तो प्लेटो ये कहता है कि जो आइडियाज और फॉर्म्स है वही सब्सटेंस है अल्टीमेट रियलिटी यानी कि परम सत्य विच मीन द अल्टीमेट रियलिटी इज आइडियाज एंड फॉर्म्स ओनली फॉर प्लेटो अब आइडियाज और फॉर्म्स होते क्या हैं प्लेटो ये कहता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं इस इंप्रिकल वर्ल्ड में अपने आसपास जो भी चीज हम देखते हैं वो रियल नहीं होती है इज द रिफ्लेक्शन और शैडो ऑफ द रियलिटी वो रियलिटी क्या है आइडियाज और फॉर्म्स की फॉर एग्जाम्पल वेन वी सी अ काउ जब हम किसी गाय को देखते हैं

लेकिन सारी जो काउज हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से और डिफरेंस क्या है उनमें उनका कलर अलग हो सकता है कोई वाइट होगी कोई ब्लैक होगी कोई कोई ब्राउन कलर की होगी कोई चितकबरी कलर की होगी और साइज भी अलग अलग हो सकता है किसी की हाइट कम होगी किसी की हाइट ज्यादा होगी किसी की पूंछ होगी किसी की पूंछ नहीं होगी किसी के छोटे सींग होंगे किसी के बड़े सींग होंगे किसी के सींग ही नहीं होंगे लेकिन फिर भी हम सारी काउस को काउ क्यों कहते हैं क्योंकि सभी में एक कॉमन एलिमेंट है दैट इज नोन एज आइडिया दैट इज द आइडिया ऑफ काउनेस जो गाय के एग्जिस्टेंस से पहले भी था और बाद में भी रहेगा तो इसीलिए वो ये कहता है कि जो आइडियाज होते हैं वो इंटरनल सब्सटेंसेस होते हैं यूनिवर्सल होते हैं यूनिवर्सल इसलिए होते हैं क्योंकि सारी पर्टिकुलर जो हैं दुनिया की वो सारी उसमें आ जाती हैं इसीलिए हम उनको काउ बोलते हैं तो वो ये कहता है कि जो सब्सटेंस है यानी कि अल्टीमेट रियालिटी है वो आइडियाज और फॉर्म्स की होती है फॉर्म का मतलब होता है आकार यानी कि शेप किसी भी चीज की जो शेप है वो क्या है वो भी एक आइडिया ही है जो हमारे माइंड में रहता है फॉर एग्जांपल द फॉर्म ऑफ टेबल टेबल की जो फॉर्म है वो क्या है वो भी एक आइडिया है क्योंकि वो टेबल की जो फॉर्म थी वो बनाने वाले यानी कि कारपेंटर के माइंड में थी तभी उसने टेबल को टेबल बनाया है वुड से या फिर प्लास्टिक से या फिर आयरन से तो इसलिए वो कहता है कि जितनी भी अल्टीमेट रियलिटी है वो सब्सटेंस कहलाती है और जो सब्सटेंस है वो आइडियाज और फॉर्म्स ही होते हैं बाकी जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो उनकी कॉपीज होती हैं यानी कि इस इंप्रिकल वर्ल्ड में इस फिजिकल वर्ल्ड में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सारी चीजें अपने आइडियाज की अपनी फॉर्म्स की कॉपीज होती हैं, जो कि अपने आइडियाज में पार्टिसिपेट करती हैं। कॉपीज होती हैं, इसको वो कैसे प्रूव करता है वो ये कहता है कि जो चीज आपके सामने रखी वो accidental है वो एक्सीडेंटल है एक्सीडेंटल का मतलब ये है कि वो किसी स्पेसिफिक टाइम में प्रोड्यूस हुई है किसी स्पेसिफिक टाइम में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और एक टाइम पे है एक टाइम पे वो नहीं भी रहेगी लेकिन उसके पीछे का जो आइडिया है वो उसके प्रोडक्शन से पहले भी था उसके डिस्ट्रक्शन के बाद में भी रहेगा इस तरीके से वो ये कहता है कि जो आइडियाज होते, है, होते हैं वो इटर होते हैं इटर होते हैं विश मीन इट इज ऑल प्रोवेडिंग इट इज बियॉन्ड द टाइम इट इज बियॉन्ड द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन तो इसलिए वो आइडियाज और फॉर्म्स को सब्सटेंस मानता है अब इसको वो एक्सप्लेन करने के लिए इस एलेगरी ऑफ केव का की हेल्प लेता है वो ये कहता है कि ये एक केव है गुफा है जहां पे कुछ प्रिजनर्स हैं जो कि चेन चेन से बंधे हुए हैं ये चेन से बंधे हुए हैं अब एक दीवार के पीछे ये बैठे हैं उसके सामने एक दीवार है जो कि प्रोजेक्शन का काम करती है जहां पे प्रोजेक्शन होता है इसके दीवार के पीछे कुछ आग जल रही होती है आग जलती है तो ये कुछ पपेटियर्स हैं कुछ कटपुतलियां हैं जो कि कुछ चीजों को लेके निकलती हैं ये इंसान की कटपुतली है ये घोड़े की है और ये कैट की है तो क्या होता है जब ये आग जलती है इसकी इसका इस पे परछाई पड़ती है इसकी रिफ्लेक्शन जो इधर दीवार पे बनती है इधर देखिए ये हॉर्स की बन रही है और ये काउ की बन रही है सॉरी ये कैट की या फिर डॉग की बन रही है तो ये जो यहाँ पे प्रिजनर्स बैठे हैं इनको लगता है कि ये रियल हॉर्स है या फिर ये रियल डॉग है या फिर ये रियल काउ है इनको ऐसा लगता है जबकि रियलिटी ये नहीं है जबकि रियलिटी नहीं है रियलिटी तो ये देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये इसकेब के अंदर कैद हैं। अब प्लेटो ये कहता है कि इनमें से कोई एक प्रिजनर ऐसा होता है जिस जो क्यूरियस होता है, थिंग्स इज थिंग्स आर शोन ऑन दिस प्रोजेक्शन वॉल वट इज बिहाइंड दिस वॉल व्हाट इज बिहाइंड दिस वॉल इस वॉल इस के पीछे क्या है इस दीवार के पीछे क्या है तो वो क्या करता है चेन को तोड़ के आगे निकलता है जब वो चेन को तोड़ के बाहर निकलता है इस गुफा से तब वो सूरज की रोशनी में दुनिया को देखता है तब वो देखता है कि बाहर पेड़ है नदी है झरने हैं पहाड़ है पशु पक्षी है रियल में देखता है तब वो सूरज की रोशनी में देखता है तो यहाँ पे ये जो ये जो आग जल रही है ये किसको सिग्निफाई करती है ये इग्नोरेंस को सिग्निफाई करती है जिसकी वजह से ये जो चेन यहाँ पे प्रिजनर्स हैं वो इग्नोरेंट रहते हैं यानी कि उनके पास अज्ञानता रहती है नॉलेज नहीं होती वो सिर्फ शेडोज को देख के बोलते हैं कि ये रियलिटी है जबकि रियलिटी वो नहीं होती हम लोगों को वो ऐसे ही प्रिजनर्स बोलता है वो ये बोलता है हम इस वर्ल्ड में रहते हैं ये जो वर्ल्ड है एम्पेरिकल वर्ल्ड ये एक केव की तरह होता है ये एक गुफा की तरह होता है और इस गुफा यानी कि केव में जितनी भी इम्पेरिकल चीजें होती हैं वो सारी शेडोज होती हैं अपनी रियलिटी की जबकि रियलिटी जो है वो आइडियाज़ और फॉर्म्स होते हैं वो सिर्फ शेडोज होती हैं हम उन शेडोज़ को देख के रियल समझ लेते हैं मेरे सामने कोई एक्स पर्सन खड़ा है मुझे लगता है कि ये रियल है जबकि वो रियल नहीं है वो उसका जो रियल है वो उसका आइडिया है उस पर्सन का जो आइडिया है वो रियल है क्योंकि वो उसके प्रोडक्शन से पहले भी था उसके डिस्ट्रक्शन के बाद में भी रहेगा इस तरीके से वो ये कहता है कि आइडियाज़ और फॉर्म्स जो हैं वो वही अल्टीमेट रियलिटीज़ हैं और वही क्या है वही हमारे नॉलेज को फॉर्म करती हैं इस तरीके से वो अपनी एप, एपिस्टोमोलॉजी और मेटाफिजिक्स दोनों को आपस में इंक्लूड करता है दोनों को एक्सप्लेन करता है इसी को हम प्लेटो का आइडियलिज्म कहते हैं जिसमें वो ये कहता है कि जो भी एम्पेरिकल रियलिटी है सारी चीज़ें सिर्फ रिफ्लेक्शन होती हैं सारी चीज़ें कॉपीज होती है इसके लिए वो दो थ्योरी देता है एक तो देता है कॉपी थ्योरी दूसरी देता है वो पार्टिसिपेशन थ्योरी कॉपी थ्योरी का मतलब ये होता है कि हम जितनी भी फिजिकल चीज़ें इस वर्ल्ड में देखते हैं वो सारी अपने आइडियाज़ की कॉपीज़ होती हैं और पार्टिसिपेशन थियरी ये कहती है कि वो सारी चीजें अपने आइडियाज में पार्टिसिपेट करती हैं फॉर एग्जांपल, द आइडिया ऑफ डॉग डॉग का जो आइडिया है वो रियल है लेकिन जो पर्टिकुलर डॉग आपके सामने खड़ा है वो उसकी कॉपी है और वो क्या कर रहा है वो अपने आइडिया में पार्टिसिपेट करता है इसलिए हम उसको डॉग बोलते हैं इसलिए हम उसको डॉग बोलते हैं इसको एग्जांपल से वो कैसे समझाता है मेरे घर में भी एक डॉग है आपके घर में भी एक डॉग है पड़ोसियों के घर में भी डॉग है दूसरे कंट्रीज में भी डॉग है सारे डॉग्स सा अलग अलग हैं सभी की ब्रीड्स अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हम उनको डॉग बोलते हैं क्यों क्योंकि उनमें कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनमें कुछ एसेंशियल कैरेक्टरस्टिक्स हैं जो चेंज नहीं होते वो जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डॉग के पैदा होने से पहले भी थे उसके मरने के बाद में भी होंगे उसको वो आइडियाज़ और फॉर्म्स बोलता है वो ये कहता है कि यही रियल है इसके अलावा और कुछ रियलिटी जो है वो नहीं होती है इस तरीके से वो रियलिटी को एक्सप्लेन करता है आगे हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं अरिस्टोटल की अरिस्टोटल जो है वो अपने गुरु यानी कि जो प्लेटो है उससे थोड़ा थोड़ा सहमत नहीं होता है वो ये मानता है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो आइडियाज की ही होती है जो अल्टीमेटली रियल है वो आइडियाज है फॉर्म्स है लेकिन जो आइडियाज और फॉर्म्स है ना प्लेटो ये कहता है कि जो आइडियाज और फॉर्म्स है वो चीजों में नहीं रहते जो पर्टिकुलर चीजें हमारे सामने होती हैं उनमें हम नहीं रहते जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल का तो जो प्लेटो है वो ये कहता है कि मेरे सामने ये जो एप्पल है ये अपने एप्पल की अपने आइडिया की यानी कि एप्पल का जो आइडिया है एप्पलनेस उसकी ये कॉपी है जो कि आईपल के एप्पल के आइडिया में पार्टिसिपेट करता है

रियलिटी तो एप्पल के आइडिया की है एप्पल रियल नहीं है एप्पल तो सिर्फ अपने की कॉपी है जो कि उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ठीक है यानी कि जो आइडियाज हैं वो चीजों से अलग रहते हैं वो ट्रांसेंडेंट है वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में रहते हैं अब यहाँ पे जो अरिस्टोटल है वो इस बात से सहमत नहीं होता ही इज नॉट अग्री विद टीचर थिंग्स इन द मैटर जो फॉर्म्स हैं जो आइडियाज हैं वो थिंग्स में ही जो वर्ल्डली थिंग्स हैं हमारे आसपास उनमें वो इमेनेंट होते हैं यानी कि अंतर्निहित होते हैं उसी में रहते हैं उससे अलग वो नहीं रहते विच मीन द आइडिया ऑफ एन एप्पल इज एन एप्पल ओनली यानी कि जो एप्पल का आइडिया है वो एप्पल के साथ ही रहता है उससे अलग नहीं रहता है यहां पे हम देखते हैं कि जो फॉर्म है एप्पल का आइडिया या फिर फॉर्म जो है वो ये गोला है ये सर्कल जो है वो फॉर्म का है और ये वाला जो है वो मैटर का है ठीक है तो वो ये कहता है कि ना तो फॉर्म सेपरेट रह सकती है और ना ही मैटर सेपरेट रह सकता है जो कुछ भी होता है इस वर्ल्ड में वो होता है फॉर्मड मैटर जैसे कि हम जब एप्पल को देखते हैं तो एप्पल के साथ साथ हम एप्पल के आइडिया को भी देखते हैं जो कि एप्पल में ही होता है अब क्योंकि एप्पल में एप्पल का आइडिया या फिर फॉर्म होती है इसीलिए हम उसको एप्पल बोल पाते हैं यानी कि एप्पल का जो आइडिया या फिर फॉर्म है वो एप्पल से अलग नहीं रहती एप्पल में ही इमेनेंट होती है वो एप्पल के आइडिया की कॉपी या फिर वो पार्टिसिपेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करता वो ये कहता है कि जो वर्ल्ड में जो कुछ भी मटेरियल थिंग्स हैं वो सारी चीज़ों में जो मैटर है वो सारी चीज़ों में जो मैटर है उसको हम कुछ ना कुछ तो नाम देते हैं ना टेबल चेयर कुर्सी ठीक है और ये जो हमारा एप्पल हो गया माउंटेन हो गया

ना मैटर अलग रह सकता है ना फॉर्म अलग रह सकती है जो कुछ भी होता है वो फॉर्म और मैटर एक साथ रहते हैं विच इज नोन एज फॉर्मड मैटर विच इज नोन एज फॉर्म मैटर ठीक है क्योंकि इसके लिए अगर हम देखते हैं ना अगर हम मानते हैं अगर हम एक बार को ये मान लें कि मैटर अलग रहता है फॉर्म अलग रहता है तो एप्पल से एप्पल का मैटर अगर अलग करते हैं तो क्या एप्पल से एप्पल का जो मैटर अलग करेंगे तो इसका मतलब यह है कि एप्पल की फॉर्म को हम अलग कर देंगे एप्पल की फॉर्म क्या है उसकी शेप उसका डिज़ाइन उसका कलर उसका टेस्ट ये सारी चीजें उसकी फॉर्म है उसका आइडिया है इन सारी चीजों को अगर एप्पल में से निकाल दिया जाए तो क्या एप्पल एप्पल रहेगा

आइडियाज एंड फॉर्म्स आर कि वो आइडियाज और फॉर्म्स जो होते हैं वो अपनी ऑब्जेक्ट में ही इमेनेंट होती है वो उससे अलग नहीं होती हैं इस तरीके से जो अरिस्टोटल है जो अरस्तु है उसकी फिलॉसफी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है अपने टीचर प्लेटो से क्लियर है चलिए आगे बात करते अब हम बात करते हैं अरिस्टोटल के कॉजेशन की अरिस्टोटल जो है वो ये कहता है कि जो कॉजेशन है यहाँ पे इवोल्यूशन होता है वर्ल्ड में अब वर्ल्ड में जो इवोल्यूशन होता है वर्ल्ड में इवोल्यूशन के लिए क्या जरूरी है जो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है जो विकास की प्रक्रिया करता कौन है गॉड करता है उसका जो गॉड का जो कॉन्सेप्शन है वो इम्पर्सनलिस्टिक गॉड है विच इज टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्शन टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्शन का मतलब ये है देर इज सम पर्पज सम समर्पस एंडल्ड जैसे कि अगर हम देखते ना हमारे सामने मान लेते हैं डाइन टेबल है. तो डाइनिंग टेबल हमारे मतलब डाइन टेबल जो है, वो बनी है. और क्या था? डाइन करना. ये आप देख रहे हो इस वीडियो को आप देखने का कोई पर्पस होगा तभी तो आप इसको देख रहे हो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको प्लेटो अरेस्टोटल फिलोसफी पढ़ा रहा हूँ तो इसका भी कोई पर्पस होगा यहाँ बिना पर्पस के कुछ भी नहीं होता हर चीज के पीछे कोई पर्पस होता है तो ये जो वर्ल्ड बना है ना ये जो वर्ल्ड है इस वर्ल्ड को बनाने के पीछे भी कोई ना कोई पर्पस होगा अब ये वर्ल्ड मैंने तो बनाया नहीं आपने ने भी नहीं बनाया ये वर्ल्ड किसी ऐसी शक्ति ने बनाया है जो कि हम लोगों से ऊपर है वो कौन है वो गॉड ही हो सकता है अब ये वर्ल्ड बना है इसका मतलब ये है इस वर्ल्ड को बनाने के पीछे कोई ना कोई पर्पस होगा और वो पर्पज किसके माइंड में हो सकता है वो उस डिजाइनर के माइंड में होगा जिसने इस डिजाइन को बनाया है इसको डिजाइन या फिर टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड भी कहते हैं यानी कि इस वर्ल्ड को बनाने के पीछे जो गॉड है

चीजों में मूवमेंट होता है एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, हर चीज जो है वो कॉन्टीजेंट होती है दूसरी चीज ये कहता है वो कि इस वर्ल्ड में जो मैटर है मैटर जो है वो एक नई फॉर्म लेता है जब वो नई फॉर्म लेगा विश मीन देर इज मोशन मैटर में मोशन होगा तभी तो वो क्या करेगी मूव करेगी अपनी अगली फॉर्म में अपनी अगली फॉर्म में वो मूव करेगी ठीक है जैसे कि इस मार्कर के बनने से पहले इसका प्लास्टिक था प्लास्टिक से मार्कर बनने का जो प्रोसेस था उसमें मूवमेंट तो हुआ होगा ना उसमें मूवमेंट तो हुआ होगा वो मूवमेंट कहां से आया वो मूवमेंट कौन डालता है वो मूवमेंट डालता है प्राइम मूवर विच इज नोन एज गॉड वो ये कहता है कि इस वर्ल्ड में जो कुछ भी मूवमेंट दिखाई देता है वो सारा मूवमेंट का जो कॉज है दैट इज अ प्राइम मूवर विच इज गॉड और वो कैसा है वो टेलीोलॉजिकल कंसेप्शन ऑफ गॉड है जिसके पास कुछ पर्पस होता है इस मूवमेंट को देने का एक पर्पस होता है देने का इसीलिए उसके गॉड को वो क्या बोलता है प्राइम मूवर होता है व्हिच इज इंपर्सनलिस्टिक Notion ऑफ गॉड उसका जो गॉड है वो इंपर्सनलिस्टिक है अब जो कॉजेशन को वो समझाता है वो ये कहता है कि इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है इस वर्ल्ड में चल रहा है इवोल्यूशन इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो मैटर है वो एक नई फॉर्म को लेता है एक नई फॉर्म जो है वो आगे चल के एक नई फॉर्म को लेगा यानी कि इस जो जगत है ना ये जो वर्ल्ड आपको दिखाई देता है यहाँ पे आपको नई नई फॉर्म्स दिखाई देती हैं दुनिया का रूप ही नक्शा बदल जाता है सौ साल पहले ये दुनिया जैसी दिखती थी वैसे अब नहीं दिखती है इसका मतलब ये है कि सौ साल पहले से सौ साल के बाद अभी जो मूवमेंट हुआ है चीजों में यानी कि जो चेंज हुआ है उस चेंज के पीछे मूवमेंट होगा मोशन होगा वो मोशन किसने डाला गॉड ने डाला है इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड यहां तक पहुंचा है, होके। और ये जो है, वो आगे भी चलता जाएगा ये इवोल्यूशन आगे चलता जाएगा क्योंकि यहां जो कुछ भी है हर चीज में एक पोटेंशियलिटी होती है पोटेंशियलिटी का मतलब होता है कुछ इनहेरेंट कैपेसिटी होती है इनहेरेंट कैपेसिटी टू इवॉल्व इनटू न्यू फॉर्म हर चीज जो है एक नई फॉर्म को लेती है इसको हम कहते हैं एक्चुअलिटी इन पोटेंशियलिटी जिसको हम आगे समझेंगे अभी हमें ये समझना है कि जो आरिस्टोटल का कॉजेशन है उसमें चार कॉजेस होते हैं साइंटिफिक कॉजेशन की अगर हम बात करते हैं उसमें दो ही कॉज होते हैं एक होता है मटेरियल कॉज दूसरा होता है एफिशियंट कॉज लेकिन आरिस्टोटल का जो कॉजेशन है उसमें चार कॉजेस होते हैं जिसमें पहला कॉज होता है मटेरियल कॉज यानी कि जो मैटर होता है जिससे चीजें बनती हैं दूसरा होता है फॉर्मल कॉज यानी कि डिजाइन फॉर्मल कॉज यानी कि डिजाइन का मतलब क्या होता है कि ऐसा फॉर्म ऐसी डिजाइन जो बनाने वाले के माइंड में रहती है और जो बनाने वाला है मान लेते हैं हमें बनानी है डाइनिंग टेबल तो इसको बनाने वाला कौन है कारपेंटर तो कारपेंटर जो है वो भी एक कॉज है विच इज नोन एज एफिशियंट कॉज हम कारपेंटर को एफिशिएंट कॉज के नाम से जानते हैं नेक्स्ट जो कॉज है हमारा दैट इज फाइनल कॉज और फाइनल कॉज क्या है कि जो डाइनिंग टेबल बनेगी उस उसपे हमें बैठ के क्या करना है खाना खाना है चेयर पे बैठ के हमें डाइनिंग टेबल पे खाना खाना है जो चेयर या फिर जो टेबल बनने वाली है ठीक है तो यहां पे हम देखते हैं कॉजेशन में हमारे पास चार कॉजेस हैं अरिस्टोटल ये कहता है कि चारों कॉजेस जो हैं वो एक साथ काम करते हैं चारों कॉजेस जो हैं वो एक साथ रहते हैं कॉजेशन में इस दुनिया में जो इवोल्यूशन हो रहा है इस इवोल्यूशन के पीछे जो गॉड है उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो पर्पस है जिसकी वजह से इस वर्ल्ड को वो इवॉल्व करता है और जब यहाँ पे इवोल्यूशन होता है तो एक चीज दूसरी चीज को कॉज करती है जो कॉज करती है तो उस एक चीज में चार चीजें काम कर रही होती जो है जो कॉजे हैं वो चार तरीके के होते हैं एक होता है मटेरियल जिससे कोई चीज कैसी दिखेगी ठीक है तीसरा होता है एफिशियंट कॉज और ये जो डिजाइन या फिर फॉर्मल कॉज है वो उसके माइंड में होता है ठीक है और चौथा होता है फाइनल कॉज यानी कि जो पर्पस है फाइनल कॉज का मतलब है पर्पस ठीक है अब कोई पर्पस होगा तभी कोई चीज बनती है इसी तरीके से अगर हम वर्ल्ड को देखते हैं तो वर्ल्ड को बनाने के पीछे भी कोई पर्पस होगा जो कि उसका फाइनल कॉज है जो यहाँ पे मैटर है जिससे वर्ल्ड बना हुआ है वो क्या उसका है उसका मटेरियल कॉज है ठीक है अभी वर्ल्ड जो है वो आपको किसी न किसी फॉर्म में या डिजाइन में दिखाई देता है वो क्या है उसका फॉर्मल कॉज है इस वर्ल्ड को बनाने वाला भी कोई कॉज है वो कौन है वो एफिशियंट कॉज है और वो एफिशियंट कॉज कौन है वो गॉड है क्योंकि गॉड ने इस वर्ल्ड को बनाया है इस तरीके से वो कॉजेशन को एक्सप्लेन करता है ठीक है आगे हम बात करते हैं गॉड की अब इसका जो गॉड है वो कैसा है वो प्राइम मूवर है उसका जो कॉन्सेप्शन है गॉड का वो कैसा है टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्शन है टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्शन का मतलब ये है कि गॉड के माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग रहती है कोई ना कोई पर्पस होगा इस वर्ल्ड को बनाने का उस पर्पज की वजह से उसने बनाया है यानी कि जब कोई चीज इवॉल्व होती है तो वहां पे चार कॉजेस होते हैं इसमें फाइनल कॉज भी होता है विच इज नोन एज पर्पस वर्ल्ड अगर बना है तो इस वर्ल्ड को पीछे भी एक फाइनल कॉज तो होगा जो कि पर्पस है जो कि गॉड के माइंड में रहता है ठीक है नेक्स्ट द कॉज ऑफ ऑल चेंज एंड इवोल्यूशन जो प्राइम मूवर है वो क्या करता है वही कॉज करता है सारे चेंज और इवोल्यूशन को क्योंकि मोशन तो वही डालता है मैटर में जिससे कि वो इवॉल्व होती है नई फॉर्म में नेवर चेंजिंग इसमें कोई चेंज नहीं आता चीजों में चेंज आता है लेकिन ये इसमें कोई चेंज नहीं आता वो ये कहता है कि जो प्राइम मूवर है ये अनमूव्ड है ये चीजों में मूवमेंट डालता है लेकिन इसको मूव कोई नहीं कर सकता ठीक है, है? है, यानी यानी कि कि ये कैसा ये कैसा इसमें इसमें कोई कोई भी भी नहीं नहीं कर सकता, इस, इसमें कोई भी motion नहीं ला सकता, इस ला लेकिन ये सारी चीजों को मोशन देता है Next, ये कहता है यूनिवर्स यूनिवर्स का ये फर्स्ट कॉज है यूनिवर्स का एवोल्यूशन जो है वो यहीं से हुआ है कॉज ऑफ मोशन स्टिल अनमूव मूवर हालांकि ये कॉज ऑफ मोशन है लेकिन अपने आप में ये अनमूव्ड है सारी चीजों को मोशन देता है वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है वो सारा मोशन की वजह से ही हो रहा है जो इवोल्यूशन हो रहा है मोशन की वजह से हो रहा है अगर मोशन रुक जाएगा तो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो भी रुक जाएगा ठीक है लेकिन ये अपने आप में अनमूव्ड रहता है इसको कोई भी मूव नहीं करता ये अपने आप में एक अनकॉज्ड कॉज है सारी चीजों का तो कॉज है लेकिन इसका कोई भी कॉज नहीं है ठीक है ये प्योर फॉर्म है और प्योर एक्चुअलिटी है जितनी भी चीजों की जो फॉर्म है वो सारी यहीं से आती है और सभी चीजों की जो एक्चुअलिटी है एक्चुअल actual, एक्चुअलिटी का मतलब होता है प्रेजेंट स्टेट

ऐसी कैपेसिटी तो होगी ना जिससे कि ये पौधा बन सके उस कैपेसिटी को कहते हैं एक्चुअलिटी उस कैपेसिटी को कहते हैं एक्चुअलिटी और जितना भी मैटर है वर्ल्ड में सारे मैटर में कुछ ना कुछ एक्चुअलिटी सॉरी पोटेंशियलिटी इसको हम कहते हैं पोटेंशियलिटी यानी कि यहाँ पे जो भी मैटर है हर चीज में जो भी मटेरियल चीजें हैं हर चीज़ में पोटेंशियलिटी होती है और पोटेंशियलिटी इस बात की होती है कि वो अपनी पुरानी फॉर्म को छोड़ के एक नई फॉर्म ले सकते हैं जैसे ये बीज है इसके अंदर पोटेंशियलिटी थी कि ये क्या बन सकता है स्प्राउट बन सकता है स्प्राउट बनने के बाद में ये छोटा सा प्लांट बनता है फिर और बड़ा प्लांट बनता है फिर ये बड़ा पेड़ बन जाता है फिर ये और बड़ा आगे ये जो प्रोसेस है ये और आगे बढ़ता है यानी कि इस सीड में पोटेंशियलिटी थी एक्चुअलाइज होने की नई फॉर्म में तो ये एक्चुअलाइज हो गया एक्चुअलाइज होने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल फॉर्म है जो प्रेजेंट फॉर्म है अभी सीड की जो एक्चुअलिटी है वो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है सीड की फॉर्म में लेकिन इसके अंदर पोटेंशियलिटी भी है कि ये एक नई फॉर्म को ले सकता है तो ये क्या करता है ये स्प्राउट की फॉर्म ले लेता है फिर ये फिर ये स्प्राउट में

इसमें क्या आ सकते हैं इसमें फ्लावर्स आ सकते हैं फूल आ सकते हैं ठीक है अब इन फूलों में ये पोटेंशियलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं ये फलों को ला सकते हैं ठीक है तो ये जो पोटेंशियलिटी थी वो एक्चुअलाइज हो जाती है नई फॉर्म में

इस पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं काफ़ी अफोर्डेबल फीस है और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट uh, जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी रेशनलिज्म डेकार्ड्स तो हम डेकार्ड्स को पढ़ने वाले हैं सो दिस इज दिस इज ऑल अबाउट दिस सीरीज एंड दिस टॉपिक थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन अब अ गुड डे गुड लक बाय स्टडी आईक्यू आईएएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल